जनरेटर इस टाइम, हालांकि इसे कम से कम 13.5 से 14 एम्पीयर शो करना चाहिए। ये सिर्फ वो शो कर रहा है जितनी बैटरी में चार्जिंग है। ये सिटी का सेम कॉल पर जनरेटर स्टार्ट गाड़ी में लैड दे रहा था, तो इसके तरीक़ेकार ये होता है कि इसका ज़्यादातर जब भी स्टार्ट गाड़ी में लैड दे तो इसका फॉल्ट रोटर का होता है। मतलब रोटर का भी हो सकता है, कार्बन का भी हो सकता है, लेकिन इसका हमने जो चेक किया है, आप ये देखें आपस में तारों में लगाओ, स्पार्किंग आ रही है, यहाँ पे रोटर एक शोला देता है, ये देखें कोई शोला नहीं दे रहा, अब यहाँ ये दे रहा है, यहाँ कोई शोला नहीं दे रहा, इसका रोटर ख़राब हो गया, ये रोटर काम छोड़ गया है इसका, इसका ये रोटर में फॉल्ट है। रोटर ख़राब है, बकाया ये है कि कार्बन और कटआउट बिल्कुल ठीक है, और इसका इस ये गाड़ी है, इसका रोटर का फॉल्ट था और बैटरी नहीं डाल दी गई है। ठीक है, तो जब भी जनरेटर बैटरी की इंडिकेशन दे तो आप सबसे पहले जनरेटर के वोल्टेज चेक करें, अगर वो 13.5 से 14 एम्पीयर काम कर रहा है तो उसके बाद जो है आप सलफ चेक करें और फिर बैटरी चेंज करें। अब ये रात गाड़ी बैटरी आपको दिखाते हैं, बैटरी डाल दी नई और गाड़ी वहीं की वहीं है। ये दोस्तों नई बैटरी इसमें डालती है और फॉल्ट इसके जनरेटर के रोटर का था, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इस गाड़ी की अपनी बैटरी थी जो कहा गया था कि ख़त्म हो गई है और ये नई बैटरी डाल दी थी ये जी। तो ये बैटरी देखें ना, ये भी वाइट हो गया, अगर आपको दिखाऊँ मैं, वाइट है अंदर से, डेड हो गई है। ठीक है, ये देखें ना, जब वाइट हो तो जनरेटर का इशू होता है या कोई लाइट जलती रह जाती है, जब चेंज पे आ जाए तो ये रेड इंडिकेशन देती है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल बैटरी ये भी डेड हो गई है, तो फॉल्ट जनरेटर का था, बैटरी नहीं डाल दी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का एहतियात किया करें, इसकी अपनी बैटरी निकाल लो, तो इसके जनरेटर का आप डालते हैं रोटर और फिर इंशाल्लाह आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। तो ये छोटी छोटी एहतियात है, ये कर लिया करें, अब हमका बैटरी का खर्चा गाड़ी वाले पे डाल दिया है बैटरी वाले ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है बैटरी वालों से कि जब भी जनरेटर बसंत बैटरी के लिए कोई भी गाड़ी आए, सबसे पहले मीटर लगाएं, जनरेटर चेक करें, अगर जनरेटर काम कर रहा है तो फिर देखें सल्फ लोड तो नहीं ले रहा। सल्फ और बैटरी, सल्फ और जनरेटर जब बिल्कुल ओके हों उसके बाद आप बैटरी चेंज करें। और ये बैटरी इसकी चेंज हो गई और फॉल्ट इसके जनरेटर के रोटर का था, इसका ये रोटर मैग्नेट नहीं बना रहा, रोटर ख़राब है। जनरेटर का फिट कर दिया है और ये अभी हालांकि जो बैटरी वाले ने चेंज की थी, पुरानी बैटरी लगा रहे हैं सल्फ मारें कि बैटरी बिल्कुल डेड है, इस पर गाड़ी सेल्फ नहीं उठा रही, तो इसको हम टो करके स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह यही बैटरी सेल्फ मारने से ये बैटरी की आप अगर सेल्फ मारने की पोजिशन देखें ये बैटरी बिल्कुल डेड है, तो ये दूसरी बैटरी से इसको स्टार्ट करेंगे और फिर जनरेटर आप। गाड़ी स्टार्ट हो गई और मीटर लगाओ जनरेटर चेक करो कि ये बैटरी बिल्कुल डेड है। मीटर लगा के अब आपको चेक कराते हैं वोल्टेज। हालांकि बैटरी बिल्कुल डाउन है और गाड़ी स्टार्ट है, 14.25 लाइटें ऑन करें, हेडलाइट
लेकिन बैटरी बिल्कुल डेड है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो बिल्कुल वाइट हुई है। दूसरी बैटरी लगा के स्टार्ट की, ये लाइटें ऑन हो गई हैं गाड़ी की और लाइटों को स्टार्ट किए। तकरीबन 14.5 एम्पीयर ये जनरेटर निकालता है होंडा सिटी का। अब हालांकि बैटरी डेड है और आप देख लें डेड, तो ये गाड़ी माशाल्लाह अल्लाह के तुमसे कम्प्लीट हो गई। इसमें फॉल्ट बंद कर दें, लाइटर जनरेटर का था लेकिन बैटरी नहीं लगा दी है और अब वो बैटरी वाला इन्हें बैरियर टोन से बैटरी ली है। अब बैटरी वाला बैटरी कंप्लेन भी नहीं कर रहा, हालांकि रात वो कह रहा था कि अगर आपको जनरेटर का इशू होगा तो बैटरी मैं रिटर्न कर लूँगा, लेकिन अब बस वही है कि गलती उसकी है, चेक उसने नहीं की बैटरी, जनरेटर का इशू था, इसका रूटर ख़राब था और बैटरी का खाम खा गाड़ी वाले को फटीक डाल दी है कि भाई बैटरी अब रिटर्न नहीं होगी। तो हमने ये पुरानी बैटरी लगाई है, ये रूटर ख़राब है और अभी 10 मिनट बाद देखते हैं कि ये गाड़ी देखते हैं बैटरी सलग स्टार्ट, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सलग स्टार्ट हो चुके होगी। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इनफ एक मिनट भी नहीं स्टार्ट रखा और बंद करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर, ये इसी बैटरी पे ये गाड़ी सलग स्टार्ट है, लेकिन अभी बैटरी पे टोक हुई है और अब माशाल्लाह गाड़ी सलग स्टार्ट हो गई है। तो हाँ दोस्तों, फॉल्ट इसके जनरेटर का था लेकिन बैटरी काम खड़ा चेंज की गई है, तो इंशाल्लाह अब अल्लाह के हुक्म से गाड़ी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।